दिखाना चाहे है कदे तो ट्रक ड्राइवर साथ अफीम खान लग जाए ड्राइवर साथ अफीम खान लग जाए ड्राइवर साथ अफीम खान साई मेडा तुसी सुनो मेरी गल वो बादशाह वो उचाणा की लड़ाई है यार बाप हरियाणा है हरी गली आवे नहीं आवे तो जावे नहीं जावे तो सुख पावे नहीं कहीं भाई के शक हो तो पटियाला जेल में नवजोत सिद्धू से पूछ के आ सकते पटियाला जेल में नवजोत सिद्धू से पूछ के आ सकते पटियाला जेल में नवजोत सिद्धू से पूछ के आ वीरेंद्र सिंह साढ़े बड़े भरा ने उन्होंने आपा मंत्र दे दिता है कि विजेंद्र पर और हम पर आशीर्वाद और आप चिंता नहीं आपने मेरी खाल उदाड़ने का ठेका ले रखा इतने का ठेका ले रखा इतने का ठेका ले टीआरपी बढ़ाना इस तरह से टीआरपी नहीं बढ़ती पत्रकारों की शर्मा जी पत्रकारों की शर्मा जी पत्रकारों की हिम्मत तो करने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह की मेरी आवाज सुनो रैली चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे बड़े आपको दी नहीं दी ओ साईं मेडा तुसी सुनो मेरी गल चौधरी वीरेंद्र सिंह साढ़े बड़े भरा ने उन्होंने आपा मंत्र दे दिता है के विजेंद्र पर और हम पर आशीर्वाद और आप चिंता में आपने आपने जेजेपी को सहयोगी दल बताया वीरेंद्र जी कह रहे हैं जल्दी धक्के मारो तो वो बात को सहयोगी वो बादशाह वो उचाणा की लड़ाई है यार बाप हरियाणा है ये चले आप की आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रशंसा किया है आपको लगता है आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी भाजपा के साथ तालमेल बैठ राजनीति संभावनाओं का खेल है समझे आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं आप पूर्व में रहे हैं शिक्षा मंत्री रहे हैं तो आज की वर्तमान शिक्षा नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं वर्तमान तो... शिक्षा नीति में बहुत अच्छी बातें हैं वर्तमान शिक्षा नीति में शिक्षा संस्कार और संस्कृति ये इट हैज ऑलवेज बीन ए इंडियन प्रॉपर्टी नालंदा से लेके तक्षशिला तक चीन का आज से 2000 साल पहले इत्सिन नाम का यात्री आया था नालंदा में आया था उसके बाद ह्वेनसांग आए फाइयान आए चौथी शताब्दी में आए छठी में आए और वो नालंदा में छात्र बन के रहे फिर शिक्षक बन के रहे और उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखा है ये सनातन का देश है किसी की उम्र 1400 साल है किसी की उम्र 2100 साल है हमारी जो उम्र सनातन की है जो वेद में लिखा है वो 1,96,56,417 साल सनातन है सनातन रहेगा भारत माता की जय रामलीला जी क्या तैयारी है लोकसभा या विधानसभा ये भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं का निर्णय पार्टी नेतृत्व करता है ठीक है मंत्र क्या दिया जी वीरेंद्र सिंह जी को समझा दिया चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़े भाई हैं पहले कांग्रेस में ही थे कि नहीं थे 40 साल थे कि नहीं थे भूपी और वीरेंद्र सिंह जी मामा फूफी के भाई हैं कि नहीं है मारी गली आवे तो जावे तो सुख पावे नहीं कहीं भाई के शक हो तो पटियाला जेल में नवजोत सिद्धू से पूछ के आ सकते सत्येंद्र था हमारा एक कार्यकर्ता वो आम आदमी में चला गया आम आदमी ने उसके टिकट गेड़ में गाल दी तो न्योली में बाल संबंध में सद्दलपुर में मेरी इन गामा में सभा थी तो सत्येंद्र के लिए मैंने यह बात बोली उस समय नवजोत सिद्धू जेल में था नहीं वैसे मीटिंग कुछ हुई है वीरेंद्र सिंह जी की रोज होती है हमारे बड़े भाई कर सकते हैं मीटिंग तो दी शर्मा जी साथ के साथ होती है तो नहीं राहुल के साथ हुई है ना अच्छा हालचाल बूझ है राहुल के अलावा कुछ और तो नहीं एक बात सुन लो भाई यो राहुल के डीएनए में मम्मिया का असर ज्यादा है इसलिए लोग इसको इटालियन कहते हैं तो एक दक्षिण की लड़की इसको गाइड करती है उसने कहा कि नरेंद्र मोदी पारस की मणि है आप इसके लोकसभा में पांव पकड़ लेना पांव पकड़ने का संस्कार
वो गड़े पड़ गया, अपने वाले एमपीयां का ने आँख मार दी, बोले नाटक ठीक हुआ, प्रेस वाले की तो छोड़ नहीं। रणदीप सुरजेवाला सोनीपत में जाया, वो धान के खेत में खड़ा होके वह जड़ ऊपर कर दी, पत्ते लगा दिए। ये नरेंद्र मोदी गरीब आदमी का बेटा है, चाय की दुकान रेलवे प्लेटफार्म पर यो न्यू दिखाना चाह है, कदे तो ट्रक ड्राइवर ऐसा था फीम खान लग जाए, कदे यो पेचकस लेके केमिकल लग जाए, कदे कुली बन जाए से ठा ले। हिंदुस्तान को किताब से नहीं पढ़ा जा सकता भाईजान, यहाँ की तो मट्टी में लौटना पड़ता है। बहू तो उसको कहे न भाई जी, शर्मा जी, जो सासरे में जा सकरांत ने सासू न जगावे, काकसरे ने कमल उठावे, उसको बहू कहे। एक क्वेश्चन जी, शर्मा जी, कहने का मतलब ट्रक ड्राइवर अफीम खाते हैं? मैंने ये कब कहा? आपने कहा जी कि उनके ट्रक ड्राइवर के साथ। मैंने ये कहा राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर के साथ खैनी खान लग जाए। ये अपने शब्द मेरे मुंह में डाल के नहीं बोलो, आपने जिसका कहना है वो करो। आप बता दो जी, मेयर साहब आप बता दो, आपने ये कहा जी वो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के अफीम खाने लग जाते हैं, क्या तो खान लगा आजकल भी जी। शर्मा जी एक बात और बताओ फिर। सर जैसे अभी चुनाव है कई राज्यों में, नहीं आपने मेरी खाल उधाड़ने का ठेका ले रखा। नहीं आप कौन से चैनल को? मैं किसी भी चैनल से नहीं। नहीं नहीं किसी नहीं। किसी के तो हाँ चलो, इतने कड़वे सवाल जो आदमी पूछता है, मतलब जो बिना कई बात को भी दिखा दे, टीआरपी बढ़ाना, इस तरह से टीआरपी नहीं बढ़ती पत्रकारों की। शर्मा जी टीआरपी सनातन को दिखाओ, अयोध्या को दिखाओ, वाराणसी को दिखाओ, शर्मा जी हनुमान चालीसा दिखाओ, टीआरपी इन बातों से अब हिंदुस्तान में बढ़ रही है। सर, राज्य में लो भाई इप्तम चाह पियो, मेरा टीम हो गया।